हरिओम, मेरा नाम डॉक्टर नमिता वीरा शिरोडकर है। मैं डोंबिवली MIDC उपासना सेंटर से हूँ। ये जो अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो ये कोविड सिचुएशन के बारे में। सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत सारे स्टेटस शेयर करते रहते हैं। हम बहुत बार बापू के प्रवचन, बापू के बोल, बापू के अनुभव शेयर करते हैं। ये किसके पास पहुँचते हैं और किसको कैसा फ़ायदा देते हैं, इसी के बारे में ये अनुभव है। ये मेरे एक पेशेंट के बारे में है, उसका नाम है पूर्वा। उसने मुझे एक बार फोन किया तो जैसे मुझे लगा ये ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में ही पूछती रहेगी, इसके लिए मैंने पूछना शुरू किया क्या चाहिए, क्या तकलीफ़ है। तो मैंने बोला, उसने बोला कि डॉक्टर मैं उसके लिए नहीं कॉल कर रही हूँ, मैं कुछ अलग कारण के लिए कॉल कर रही हूँ। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि वो जो मैं स्टेटस पे जो बात शेयर करती थी वो उस तक पहुँचती थी व्हाट्सएप स्टेटस में, और वो उसने देखा है। फिर उसने बोला कि कोविड सिचुएशन में जब उसके हस्बैंड की कंपनी बंद हो गई और फिर घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू हो गए, उसके पहले उसको ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन जब कोविड में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो गए तो वो ढूंढने लगे कि कुछ इसमें सॉल्यूशन हो सकता है। फिर थोड़ा भगवान का नाम लेना, सब बोलते हैं ये करो वो करो, फिर उसने हनुमान चालीसा किसी से सुना और हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। बाद में उसने मेरे स्टेटस पे ये बापू के बोल, बापू के प्रवचन देखना शुरू कर दिया, और उसने फिर खुद ही ढूंढना शुरू कर दिया कि ये कौन बापू है, चलो देखते हैं। फिर उसने बापू के बारे में YouTube पे सर्च किया, बापू भक्तों के बहुत सारे अनुभव भी उसने देखे, उसमें उसने मेरे भी अनुभव देखे। फिर उसने सब ये देख के बापू को फॉलो करना शुरू कर दिया, बापू की उपासना करनी शुरू कर दी, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, जो भी बापू के इसमें मिलता था वो बोलना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सेटल होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। फिर उसने मुझे फ़ोन करके पूछा कि बापू की उपासना कहाँ पर रहती है, तो मैंने बोल दिया कि अभी फ़िलहाल तो साथ में आके हम लोग सब कोविड सिचुएशन में उपासना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर रोज रात को आठ बजे बापू की उपासना होती है ऑनलाइन यूट्यूब। फिर उसने मुझे बोला कि आप मुझे लिंक भेज सकते हैं, तो फिर मैंने बोला हाँ ज़रूर, क्योंकि मैंने भी एक बापू भक्तों का ग्रुप बनाया है जिसमें मैं रोज़ लिंक शेयर करती हूँ, तो मैंने उसको उस ग्रुप में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली बैठ के रोज़ बापू की उपासना करने लगी। धीरे धीरे उनके सभी प्रॉब्लम्स कम हो गए और अभी वो पूरी फैमिली अच्छे से है, उनको सच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो उसने ये किया है, जो बापू ने खुद ही किया है, हमको हम सच में कुछ नहीं कर पाए, हम लोग सिर्फ मैंने क्या किया था व्हाट्सएप स्टेटस पे बापू का सिर्फ अनुभव शेयर किया था जो उसने देखा था। तो ऐसे ही बापू किसके लाइफ में कैसे आते हैं वो खुद ही जाने, अम्बज्ञ नाथ सम।